कोनिच्चिवा मिनासान, मैं चुमकी आप सबका स्वागत करती हूँ ओहायो जैपनीज में। इस वीडियो में मैं आज एक्सप्लेन करने वाली हूँ लेसन 25 के ग्रामर पॉइंट्स। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ओहायो जैपनीज चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेसन 25 में टोटल 5 ग्रामर पॉइंट्स हैं, और इन ग्रामर पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन के बाद प्रैक्टिस सेशन है, जहां इन पैटर्न से जुड़े कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन्हें भी आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं पहला ग्रामर पॉइंट। पहला पॉइंट है प्लेन पास्ट फॉर्म रा। व्हेन रा इज अटैच्ड टू द पास्ट प्लेन फॉर्म ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, इट चेंजेस द प्रीसीडिंग क्लॉज इनटू अ कंडीशनल क्लॉज। तो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या फिर नाउन हो, सबके जो प्लेन पास्ट फॉर्म है, पास्ट टेंस भी होना चाहिए और उनका प्लेन फॉर्म होना चाहिए। तो उसके साथ जब हम रा अटैच करते हैं तो ये एक कंडीशनल क्लॉज बन जाता है। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस में दो क्लॉज होते हैं, एक मेन क्लॉज है और दूसरा कंडीशनल क्लॉज है। मेन क्लॉज जो है वो कंडीशनल क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट है। इस तरह के सेंटेंसेस इंग्लिश के इफ से स्टार्ट होते हैं, या फिर हिंदी के अगर ले लेते हैं तो अगर, अगर ऐसा ऐसा है, हिंदी में इस तरह से ऐसे सेंटेंसेस स्टार्ट होते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल सेंटेंस है इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक कार खरीदती। तो मेन क्लॉज है मैं एक कार खरीदती, लेकिन कब? कंडीशन क्या है? अगर मेरे पास पैसे होते, राइट? तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जैपनीज में कैसे बोलेंगे? ओकानेगा आत्तारा उरुमा ओ काइमास। ओकानेगा आरिमास, वर्ब क्या है? आरिमास। आरिमास का प्लेन पास्ट फॉर्म हो जाएगा आत्ता। ठीक है, आरिमास्ता इसका पास्ट फॉर्म, लेकिन प्लेन फॉर्म हो जाता है आत्ता। ओकानेगा आत्तारा, तो रा अटैच करना है, उसके बाद उरुमा ओ काइमास, ये तो एज इट इज है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कार खरीदती, या फिर अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं कार खरीदूंगी। ठीक है, तो जो कंडीशनल क्लॉज है उसमें हमें ये फॉर्म यूज करना है। एक और सेंटेंस देखते हैं। इफ इट रेन्स आई वोंट गो टू स्कूल टुमारो। अगर बारिश होती है तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो मेरे स्कूल नहीं जाना जो एक्शन है वो किस पर डिपेंडेंट है? अगर कल बारिश होती है तो। ठीक है, तो फिर ये है कंडीशनल क्लॉज इफ इट रेन्स। इसको हम बोल सकते हैं आमे दातारा आश्ता गाकोनी इकिमासेन। सो आमे क्या है? नाउन है। आमे देश, ये है प्रेजेंट टेंस में। तो अगर इसका प्लेन पास्ट फॉर्म करना है तो ये हो जाएगा आमे दाता। सो आमे दातारा रा अटैच करके इस क्लॉज को हमने कंडीशनल क्लॉज बना दिया। ठीक है, आमे दातारा आश्ता गाकोनी इकिमासेन। अगर बारिश होती है तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। I would like to buy a TV if it is cheap. अगर सस्ता होता है तो मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ। So, टीवी खरीदना जो एक्शन है वो किस कंडीशन पे डिपेंड करता है? अगर सस्ता होता है तो। चीप के लिए वर्ड है यासुई। सो यासु कातारा तेरेबी ओ काइताई देश। यासुई देश ये एडजेक्टिव है। सो यासुई देश का पास्ट हो जाता है यासु काता देश, और प्लेन फॉर्म में है क्योंकि तो हमें देश हटाना होता है। सो यासु कातारा तेरे बियो काइताई देश। ठीक है, अगर सस्ता होता है तो मैं एक टीवी खरीदना चाहता हूँ। नेक्स्ट, इफ यू आर फ्री प्लीज कम एंड विजिट अस। अगर आप फ्री है या फिर आप खाली है तो प्लीज आइए। तो इसे हम बोलेंगे हिमा दातारा असोबिनी कीते कुदासाई। फ्री क्या है? हिमा। ठीक है, जब कोई काम नहीं है। सो हिमा देश, क्योंकि हिमा ना एडजेक्टिव है तो इसका प्लेन पास्ट फॉर्म हो जाता है हिमा दाता। हिमा दातारा असोबिनी कीते कुदासाई, एंजॉय करने के लिए आइएगा प्लीज। ठीक है, नेक्स्ट, इफ द वेदर इज नाइस व्हाई डोंट वी गो टू क्योटो। अगर वेदर अच्छा होता है तो क्या मेरे साथ आप क्योटो चलेंगे? तो किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ये सेंटेंस होगा की तेंकी दातारा क्योटो ए इकिमासेन का। कंडीशन क्या है? अगर वेदर अच्छा हो। तो तेंकी क्या है? नाउन। तेंकी देश पास्ट प्लेन फॉर्म तेंकी दाता। सो ई तेंकी दातारा, अगर मौसम अच्छा हो तो क्योटो ए इकिमासेन का, क्या आप क्योटो चलना चाहेंगे?
इस तरह से किसी को इनवाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो सेकेंड क्लॉज है, जो मेन क्लॉज है, वो किसी भी स्ट्रक्चर में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक है काइमास, दूसरा है इकिमासेन जो नेगेटिव है, काइताइरेस कोई चीज करने की चाहत होना, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इनवाइट कर रहे हैं, तो सेकंड क्लॉज में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो कंडीशनल क्लॉज है उसे हमें प्लेन पास्ट फॉर्म में ही यूज करना है और साथ में रा अटैच करना है, राइट। आई होप ये पैटर्न आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है वर्ब ता फॉर्म रा। इन दिस पैटर्न अ सर्टेन एक्शन विल बी डन और अ सिचुएशन विल अपीयर इन द फ्यूचर आफ्टर और व्हेन द रा क्लॉज हैज बीन कंप्लीटेड और अचीव। तो इसमें जो ता फॉर्म के साथ हम रा यूज कर रहे हैं वो ओनली वर्ब के बारे में है। ठीक है, पहले पॉइंट में भी हमने वर्ब का ता फॉर्म यूज किया था, लेकिन उसमें वर्ब हो, एडजेक्टिव हो, नाउन हो, सबका हमने यूज किया है और वो एज ए कंडीशनल क्लॉज था। अब वर्ब के साथ जब हम ता यूज कर रहे हैं वो कंडीशन के अलावा कंप्लीशन भी शो करता है कि कोई भी एक्शन खत्म हो रहा है और उसके बाद कोई चीज होगा। ठीक है, तो इसमें क्योंकि एक्शन की बात हो रही है, कोई काम, तो काम क्या होता है? वर्ब। इसीलिए हमें सिर्फ वर्ब यूज करना है और वर्ब का ता फॉर्म। इसका हम बोल सकते हैं व्हेन और आफ्टर इन इंग्लिश। इसके लिए एग्जांपल सेंटेंस है, लेट्स गो फॉर अ ड्रिंक आफ्टर वर्क। काम खत्म होने के बाद चलो ड्रिंक के लिए चलते हैं। सो आफ्टर वर्क, वैसे वर्क क्या है? शिगोतो। लेकिन अभी हमें वर्ब यूज करना है तो ओनली नाउन हम यूज नहीं कर सकते, तो इसे हमें कैसे बोलना है? शिगोतो गा वात्तारा नोमिनी इकिमाशो। सो शिगोतो गा वात्तारा, काम खत्म होने के बाद, ओआरिमास का ताफो वात्ता। ठीक है, इसी तरह एक और सेंटेंस है, व्हेन आई गेट ओल्डर आई वांट टू लिव इन द कंट्री साइड। जब मैं एजेड हो जाऊंगा, बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मैं गांव में रहना चाहता हूँ। तो इसको हम बोलेंगे तोशी ओ तोत्तारा इनाकानी सुमिताइरिस। तोशी ओ तोरिमास गेटिंग ओल्डर, बूढ़ा होना। सो तोशी ओ तोत्तारा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तोरिमास का पास्ट फॉर्म तोत्ता एंड रा। सो तोशी ओ तोत्तारा, बूढ़ा होने के बाद इनाकानी सुमिताइरिस, मैं गांव में रहना चाहता हूँ। ठीक है, सो ता फॉर्म रा जब हम यूज कर रहे हैं तो उसका दो मीनिंग है। जो पहला पॉइंट हमें मिला है उसमें मिला था कंडीशनल, उसमें हमें सिर्फ वर्ब नहीं, वर्ब के साथ साथ ई एडजेक्टिव, ना एडजेक्टिव और नाउन भी मिला था। लेकिन जो सेकंड पॉइंट है इसमें सिर्फ वर्ब यूज करना है, क्योंकि इसका मतलब है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन, कोई भी काम खत्म करने के बाद। ठीक है, इसलिए सेकंड पैटर्न में हमें सिर्फ वर्ब यूज करना है। ठीक है, और सेंटेंस से हमें पता चल जाता है कि वो कंडीशन है या फिर कंप्लीशन है। ठीक है, थर्ड पैटर्न है वर्ब ते फॉर्म ई एडजेक्टिव ई सायोनारा कुते, ना एडजेक्टिव ना सायोनारा दे, नाउन दे मो। ठीक है, मो अटैच करना है इनके साथ। ये हम कब करते हैं? दिस एक्सप्रेशन इज यूज टू प्रेजेंट अ रिवर्स कंडीशन, कोई उल्टा सिचुएशन, रिवर्स कंडीशन हमें शो करना है। तो इसको हम इंग्लिश में इवन इफ से शुरू कर सकते हैं इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, और हिंदी में किसी के बावजूद। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी, I'll go to school tomorrow even if it rains। अगर बारिश होती है तो भी मैं स्कूल जाऊंगी, या फिर बारिश होने के बावजूद मैं स्कूल जाऊंगी। ओके, एक रिवर्स कंडीशन। जनरली लोग सोचेंगे अगर बारिश हो रही है तो स्कूल नहीं जाएंगे, ये रिलेट करता है, लेकिन अभी बारिश होने के बाद भी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे आमे गा फुत्तेमो आश्ता गाकोनी इकिमास। अगर बारिश होती भी है, आमे गा फुत्तेमो, पुरीमास का ते फॉर्म फुत्ते और उसके साथ हमें मो अटैच करना है, आमे गा फुत्तेमो आश्ता गाकोनी इकिमास। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, इवन इफ इट्स स्पाइसी आई लाइक दिस करी राइस। तीखा होने के बावजूद मुझे ये करी राइस पसंद है। सो काड़ा कुते मो कोनो काड़े राइस सुगा सुकी देस। काड़ाई देस ई एडजेक्टिव, सो ई एडजेक्टिव का क्या करना है हमें? ई हटाकर कुते यूज करना है और उसके बाद मो। काड़ा कुते मो कोनो काड़े राइस सुगा सुकी देस। ठीक है, थर्ड, इवन इफ द वेदर इज नाइस आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। मौसम अच्छा है तब भी मैं कहीं नहीं जाना चाहती। तो ई तेंकी देमो, ई तेंकी देमो दोको एमो इकिता कुनाई देस।
सो ई टैंकी नाउन और उसके बाद हमें डेमो यूज करना है, ठीक है। तो उम्मीद है ये पैटर्न भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैटर्न है मोशी एंड इकुरा। सो ये कोई पैटर्न नहीं है, ये हमें कब यूज करना है वो जानना है बस। सो मोशी इज यूज्ड विथ प्लेन पास्ट फॉर्म रा, जो पहला पॉइंट हमने सीखा है, प्लेन पास्ट फॉर्म रा, जो कंडीशनल क्लॉज यूज होते हैं उस क्लॉज के शुरुआत में हमें मोशी यूज करना है। जैसे कि ओकानेगा आतारा कुरुमाओ काइमास, मतलब इफ आई हैड मनी आई वुड बाय अ कार, ये था हमारा तारा जो पैटर्न था उसका एग्जांपल सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को हम मोशी यूज करके भी बोल सकते हैं, मोशी ओकानेगा आतारा कुरुमाओ काइमास, अगर मेरे पास पैसे होते हैं तो मैं एक कार खरीदूंगी। तो जब हम मोशी यूज करते हैं तब क्या होता है, लिसनर को पहले से अंदेशा हो जाता है कोई कंडीशनल क्लॉज आने वाला है। अगर मोशी हमने यूज किया है तो पता है कि अभी ताड़ा पैटर्न आएगा, मोशी ओकानेगा आताड़ा कुरुमा ओ काइमास, ठीक है। सो मोशी हम ताड़ा पैटर्न के साथ अक्सर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ताड़ा पैटर्न अकेले यूज नहीं किया जा सकता, बट मोशी जब हम यूज करते हैं तो डेफिनेटली ये ताड़ा पैटर्न यूज होता है, कंडीशनल क्लॉज आता है, ठीक है। इसी तरह इकुरा, इकुरा इज यूज्ड विद तेमो और देमो, जो तेमो और देमो पैटर्न हमने नंबर 3 में सीखा उसके साथ इकुरा यूज किया जा सकता है। जैसे कि कारा कुतेमो कोनो कारे राइस होगा सुकी दिस, इवन इफ इट्स स्पाइसी आई लाइक दिस करी राइस, तो इस सेंटेंस के साथ हम इकुरा यूज कर सकते हैं, इकुरा कारा कुतेमो कोनो कारे राइस होगा सुकी दिस, चाहे जितना भी स्पाइसी हो मुझे ये करी राइस पसंद है। तो इकुरा को हम रिलेट कर सकते हैं हिंदी के चाहे जितना भी, ठीक है। तो अक्सर इकुरा के साथ हम ये तेमो या फिर देमो यूज करते हैं। सो मोशी ताड़ा के साथ आता है और इकुरा तेमो या फिर देमो के साथ आता है, ठीक है। नंबर 5th यानी लास्ट पैटर्न है एन गा। तो एन गा ये कोई नया पैटर्न नहीं है, ये क्या है, द सब्जेक्ट ऑफ सबोर्डिनेट क्लॉज यूजिंग ताड़ा तेमो तोकी तो मायनी एटसेट्रा इज इंडिकेटेड बाय पार्टिकल गा। तो अगर किसी क्लॉज में ताड़ा या फिर तेमो तोकी या फिर तो या फिर मायनी इस तरह के वर्ड्स होंगे, उस तरह के क्लॉज में जो सब्जेक्ट है उसको हमें पार्टिकल गा से इंडिकेट करना होता है, ठीक है, यानी उस सब्जेक्ट के बाद हमें पार्टिकल गा यूज करना होता है। जैसे कि आकाचान गा ओकिरु मायनी गोहान ओ सुकुरा नाकेरेबा नारिमासेन, मतलब आई हैव टू कुक डिनर बिफोर द बेबी वेक्स अप। तो यहाँ पहले क्लॉज में मायनी का यूज किया गया है, तो सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट है आकाचान, आकाचान के बाद हमें पार्टिकल गा यूज करना है, ठीक है, वा नहीं यूज करना। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है सुमागा ब्योकिनो तोकी शिगोतो ओ यासुमी मास, मतलब आई टेक लीव फ्रॉम ऑफिस व्हेन माय वाइफ इज सिक, जब मेरी पत्नी बीमार होती है तो मैं ऑफिस से छुट्टी करता हूँ। तो तोकी है तो इसलिए हमें सुमा जो सब्जेक्ट है उसके बाद पार्टिकल गा यूज करना है। ये पैटर्न्स हमें पहले ही मिल चुके थे। नंबर 3 आमेगा फुत तारा देकाके मासेन, If it rains, I won't go out. अगर बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। So, आमे गा, क्योंकि ये तारा पैटर्न है, फुत तारा। Number 4, आमे गा फुत तेमो शियाई ओ मिनी इकिताई देस। I want to go see the game even if it rains. अगर बारिश होती भी है तो भी मैं ये गेम देखने जाना चाहता हूँ, ठीक है। आमे गा फुत तेमो, तो ये याद रखना है सब्जेक्ट के बाद हमें पार्टिकल गा यूज करना है जब इस तरह के वर्ड्स क्लॉज में होंगे, ठीक है। तो आज के ग्रामर पैटर्न यहाँ पे खत्म होते हैं, साथ ही साथ N5 के जो लेसन है वो भी यहाँ पर खत्म होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो अब हम एक प्रैक्टिस सेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 क्लॉज है, एक साइड में 5 क्लॉज है और दूसरे साइड में भी 5 क्लॉज है। तो लेफ्ट हैंड साइड के जो क्लॉज है उनको राइट हैंड साइड के क्लॉज के साथ हमें मैच करना है। आई होप ये आप लोग कर पाएंगे। तो अगर आप अपने आप इनको ट्राई करना चाहते हैं
तो वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं और बाद में मेरे जवाब के साथ अपने जवाब को मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सारे क्लॉज को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। माइनिची रेंशु सितारा, सेकंड ब्योकी देमो, थर्ड काचोगा कितारा, फोर्थ इकुरा यासुकुतेमो, फिफ्थ मोशी ई काइशा दातारा। अब जो राइट हैंड साइड में क्लॉज है वो है ए काइगी ओ हाजी मेमाशो, बी हाइडी ताई दिस, सी काइशानी इकाना केरेबा नारीमासेन, डी जोजुनी नारीमास, ई जीवन नो इए ओ काइता कोनाई। अब किस क्लॉज को किस क्लॉज के साथ हमें मैच करना है। जो पहला क्लॉज है माइनिची रेंशु सितारा, इसका क्या मतलब है? माइनिची रेंशु सितारा यानी अगर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो। रेंशु सितारा पास्ट प्लेन फॉर्म के साथ रा अटैच किया गया है, सितारा। माइनिची रेंशु सितारा अगर रोज प्रैक्टिस करते हैं तो क्या हो सकता है? रोज प्रैक्टिस करने पर इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी जोजुनी नारीमास। अगर रोज प्रैक्टिस करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो, ठीक है। जोजुनी नारीमास बिकम गुड एट। नंबर टू ब्योकी देमो, ब्योकी का मतलब है सिक बीमार। ब्योकी देमो नाउन के साथ दे और उसके साथ जब मो आता है तो ये क्या मीन करता है? बीमार होने के बावजूद, इवन इफ आई एम सिक, ठीक है। बीमार होने के बावजूद क्या होगा? सही ऑप्शन है यहाँ से सी काइशानी इकाना केरेबा नारीमासेन, ऑफिस जाना ही पड़ेगा। इकाना केरेबा नारीमासेन मतलब मस्ट गो। ब्योकी देमो काइशानी इकाना केरेबा नारीमासेन, बीमार होने के बावजूद मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा। इवन इफ आई एम सिक आई हैव टू गो टू वर्क, ठीक है। थर्ड क्लॉज काचोगा कितारा, काचो सेक्शन मैनेजर को बोलते हैं, तो काचोगा कितारा अगेन पास्ट प्लेन फॉर्म किता उसके साथ रा अटैच किया गया है। तो क्योंकि हमें पता है जो सेकंड पॉइंट में मिला था कि वर्ब के ता फॉर्म के साथ जब हम रा यूज करते हैं उसका एक और मतलब होता है कंप्लीशन, तो यहाँ पे काचोगा कितारा सेक्शन मैनेजर आने के बाद काइगी ओ हाजी मेमाशो यानी ए। सो इसका मतलब है सेक्शन मैनेजर आने के बाद चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इकुरा यासुकुतेमो, चाहे जितना भी सस्ता हो जाए, ठीक है। इकुरा यासुकुतेमो क्या होगा? रिवर्स वाला कोई क्लॉज होगा। इकुरा यासुकुतेमो इसके साथ कौन सा सही ऑप्शन होगा? ऑप्शन ई जीवन नो इए ओ काइता कुनाई, अपना घर खरीदना नहीं चाहता, चाहे जितना भी सस्ता हो अपना घर में खरीदना नहीं चाहता, ठीक है। इवन इफ इट इज चीप आई डोंट वांट टू बाय माय ओन हाउस, ठीक है। और फिफ्थ क्लॉज क्या है? मोशी ई काइशा दातारा। अब एक ही ऑप्शन बचा है जो कि है बी, ठीक है। बट इसका मतलब क्या है? मोशी ई काइशा दातारा अगर अच्छी कंपनी होगी तो हायरी ताई दिस में ज्वाइन करना चाहता हूँ। काइशानी हायरी मास यानी काइशा ज्वाइन करना, कंपनी ज्वाइन करना। सो मोशी ई काइशा दातारा हायरी ताई दिस, ठीक है। तो आई होप ये प्रैक्टिस सेशन भी आप लोगों को पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर ओहायो जापानीज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और बात, जुलाई JLPT के बाद मेरा ऑनलाइन स्काइप क्लास का बैच शुरू होने जा रहा है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। गान बाते कुदासाई, सायोनारा।